पापा, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। गंगा, चलो घर चलते हैं। क्यों गणेश? ससुर जी को नर्स देख लेगी, घर जाकर नहा कर आते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या पापा? नहीं। चलो घर चलते हैं, चलो। क्या कह रहे हो पापा? हाँ बेटी, बात ऐसी है कि तुम्हें सुनाने की हिम्मत मुझ में नहीं हो रही है बेटी। तुम्हारे पति, उनका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। पापा, पापा झूठ बोल रहे हैं ना? पापा ये नहीं सच है, पापा आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको संभालो पापा। तुरंत चलिए वो बॉडी को। लेकर आते हैं। बॉडी तुरंत देंगे क्या? एक्सीडेंट केस है, पुलिस का मामला है। गणेश, पोस्टमार्टम करने के बाद ही वो लोग हमें बॉडी देंगे ना? तो फिर आप यहीं रहो, मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, जाओ, जल्दी जाओ। मेरी बेटी घर आते वक्त मुस्कुराती हुई आई थी, अब तो उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा है, कैसे सहेगी वो ये सब कुछ? गणेश, इसके ससुर को भी तो बताना पड़ेगा, कैसे बताओगे तुम लोग? मैं बोल देता हूँ। पापा को ये बात पता लगनी नहीं चाहिए। ठीक है बेटी, ठीक है बेटी, मैं अभी नहीं बाद में बोल दूंगा। बेटा लेट हो रहा है, तुम जाओ जाओ जाओ। गणेश, पापा हॉस्पिटल में अकेले हैं, उन्हें वो सब मैं देख लूंगा बेटी। कीर्तना को देखने के लिए बोलो, भाभी के पास तो बच्ची है। श्रुति देख लेगी। श्रुति, श्रुति, पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, ठीक है? कमाक्षी, मैं बाकी का इंतजाम करता हूँ, तुम इसका ध्यान रखो। माँ, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। माँ, वो मुझे छोड़कर चले गए। माँ,